आज आम जो आलोचना रखुचे समग्र स्वास्थ्य और जीवनशैली तो जिते सब कुनि कुनि पिला माने अभिभावक माने माता पिता माने ये कार्यक्रम को देखुं तथा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री गण समस्त वर्तमान समय रे आम देखा सारा विश्व रे प्रथम थर पर स्वास्थ्य को लेकर ये कोविड समय रे लोक मान भितर जो हाहाकार गोटे जो स्थिति उत्पन्न होटा कि वर्ल्ड वार वन कि वर्ल्ड वार टू समय स्थिति उत्पन्न हो नाला एथरु मानव समाज गोटे शिक्षा मिलू जे जो कथा आमर शास्त्र भागवत कहुई ए देह थिले सर्वे पाई जले जेसन चंद्र छाई पुणी जो कथा कालिदासंकर लिखित अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक रे जो कथा वर्णित होती जे शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम तेणु जेकोसी आपण काम करंतु धर्म अर्थ काम मुख्य तापाई गोटे सुस्थ शरीर आवश्यकता रही जहाँ वर्तमान समय आमको बारंबार सूचाई दूची जे आम कौटी ना कौटी आम निश्चित रूप भूल करवल व्यक्तिगत तो भूल नुहे गोटे विराट सामाजिक भूल हो फल बर्तमान सारा विश्व को भोगवाक पड़ू तो निश्चिंत यही समय शिक्षा को आम आम जीवन में ग्रहण करवा हेल्थ इज वेल्थर बार्ता नहींक्र आज मुगाचार्य डॉक्टर विश्वरंजन रथ आपण आगे समग्र स्वास्थ्य और जीवनशैली विषय किसी कही पूर्वर प्रभु परमात्मा को ध्यान करी गोटे थर गायत्री मंत्र उच्चारण ओम भोर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र होची गोटे वैज्ञानिक मंत्र जार अर्थ होची सही प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक दिव्य परमात्मा को आम निजर अंतर आत्मारे धारण करवा से ही परमात्मा आमर बुद्धि को सत्मार्ग प्रेरित करेंगे तेणु मंत्र को आहरी सरलीकृत कले हे भगवान मत सद्बुद्धि दिंतु मु सत्कर्म करे कहीं जिते बुद्धिहीना पशु भी सामना बुद्धि नथिवा जोगु आज समाज समय आमको कष्ट आम पढ़ीचे तेणु समग्र स्वास्थ्य को आमको बुझे पड़ो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो समग्र स्वास्थ्य विषय तथा हेल्थर जो डेफिनेशन देते फिजिकाली मेंटाली इमोशनाली सोशियाली और स्पिरिचुअली पांचटा आयाम शारीरिक मानसिक भावनात्मक आध्यात्मिक सामाजिक ए पांचटी आयाम को जेतबले आम जीवन रे आमे सठिक रूप से समता रक्षा करवा सेतबले आमे गोटे सुस्थ व्यक्ति बोली कहिबा किंतु आज आमे निश्चित रूप देखिबा आज आमे फिजिकल कहला बेलू को केवल स्किन को ही देखुचे केवल स्किन आमर केते ग्लो अप करुची केते सुंदर देखा जाउची एटा गुरुत्व होचे किंतु ता भितरे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम गुडाक रहिची आम शरीर भितरे ताकु आमे ध्यान दौने से आज समाज रे डायबिटीज भली रोग घरे घरे बढ़लाणी आपण देखंतु कुनी कुनी पिला मानंकु डायबिटीज होउची जार साइंटिफिक टर्म होउची जुवेनाइल डायबिटीज भारत में प्राय बर्तमान 20-22 कोटी लोक डायबिटीज होती यह हूँ गोटे जीवनशैली जनित रोग आपण जानते जदि जड़े पिलार बापा डायबिटीज अच्छी तेल पिला को डायबिटीज होवार संभावना अच्छी 58-68% जदि माँ को डायबिटीज अच्छी तेल पिला को डायबिटीज होवार संभावना अच्छी 78-88% जदि बापा माँ दुईज डायबिटीज रोगी टाइप 1 कि टाइप 2 ताले पिला मानको मध्य डायबिटीज रो संभावना 90% रु अधिका तेणु ये क्षेत्र रे जीवनशैली रे जो मधुमेह रोग को किबले आम निवारण करिया। दुई नंबर जीवनशैली रोग वर्तमान जो बढ़ी चली उच्च रक्तचाप आपण देखुथिबे भारत रे वर्तमान उच्च रक्तचाप गोटे माने एबले गोटे फैशन बलिया युवा पीढ़ी भितर व्यापक रूप बढ़ी चली एवं यह कुनि कुनि पिला मानक भीतर मते हाई ब्लड प्रेशर रो विभिन्न लक्षण मते देखा जाउची विभिन्न प्रकार मानसिक चाप एवं भविष्य को लेकिन अनिश्चितता भयर जो निजर मानसिक असंतुलन जो आज कुनि कुनि पिला मानक थरु युवक मानक भीतर हाई ब्लड प्रेशर रोग बढ़ी चली तेणु ता उपर मध्ये हमको ध्यान देवाक पड़ो। तीन नंबर जीवनशैली भीतर आम देखा जे 2012
2007 मसीहार रिपोर्ट अनुसार भारत में मृत्युर 7 नंबर कारण थिला कैंसर, किंतु 2014 बेलू भारत में मृत्युर 2 नंबर कारण हो कैंसर। भावंतु को हार रे वर्तमान कैंसर बढ़ी बढ़ी चली। आज सारा भारत वर्ष रे प्रति वर्ष 16 लक्ष अधिका लोक कैंसर रोग रे मृत्यु मुखरे पड़ुचंती। ओडिशा कथा तो छाड़ंतु, एटी प्रति वर्ष लक्षे लोक विभिन्न प्रकार केमो रेडिएशन सर्जरी टार्गेट थेरापी परे मध्य आज मृत्यु मुखरे पड़ुचंती। तेणु जीवनशैली जो कैंसर रूपक महामारी ठारु मध्य आमको सतर्क सचेतन होवार आवश्यकता वर्तमान समय रही। आउ गोटे कथा मुझे आपको कहूँ जे प्रति मिनिट्रे भारत में 5 रु 6 जन लोक हार्ट आटाक मरुचंती, हृदयघात रोग में मरुचंती। नारायण हृदयालय जे मालिक डॉक्टर देवी सेट्टी एवं फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली रो जे मालिक डॉक्टर नरेंद्र तेहान एवं ओडिशार जड़े सुप्रतिष्ठित डाक्तर डॉक्टर रमाकांत पंडा जी कि एशियन हार्ट हॉस्पिटल मुंबईर प्रतिष्ठाता, से मानकर अनुभवी जो रिपोर्ट देखते सारा भारत वर्ष रे प्रति मिनिट्रे 5 रु 6 जन लोक हार्ट आटाक मरुंच। भावंतु को हार रे लोक हार्ट आटाक मरुंच, तार कारण हूँ ये जीवनशैली को आम ठीक भाव रखुना। जीवनशैली आउ गोटे हूँ कुनी कुनी पिला भितर आम देखा जे गैस रो प्रॉब्लम बढ़ी चली। आज छोट पिलाटीए तार गैस समस्या रोच, आउ गैस समस्या को केवल आप छोट भाली भावे नहीं, ये छोट छोट जमी कहते ना छोट सापर बड़ विष, से छोट गैसटा ही बड़ बयस बयस टी बढ़ टे समस्या बढ़ले आम जदि बारंबार आंटासीड नवा कि कौन प्रकार बटिका खाइबा दबेदबा से रोगटी बर्तमान भविष्य कौन ना लिभर किडनी आपणकर गल ब्लाडर बा कैंसर बड़ बड़ रूप नब, से आमको से विषय में सचेतन होगा पड़ो। आज समय देखत जो कन्स्ट्रिपन तथा कोष्ठकाठिन्य रोग आज कुनी कुनी पिला समस्त को प्रभावित करछि, ये मध्य गोटे जीवनशैली जनित रोग। जदि आपणकर आमर जो आयुर्वेद कह जे आपणकर जदि हाथ पापुली आ गोड़ तलीपा ये जदि उषुम रोची ताल आपण सुस्थ, आपणकर पेट जदि नरम रोची ताल आपण सुस्थ, आपणकर मस्तिष्क जदि थंडा रोची ताल आपण सुस्थ, आपणकर हृदय जदि गरम रोची ताल आपण सुस्थ। किंतु आज आप देखु जे लोक मैंने विभिन्न प्रकार आप्स पचरे गोड़ 6 apps 8 apps से बॉडी को एभली से टाइट कर दौरान जहाँफल आज अल्प समय रे पार्किंसन डिजीज पारालीसीस भाई रोग देखा जापर मध्य आमको सचेतनता हवाक पड़ो। कुनी कुनी पिला माने तथा युवा पीढ़ी तथा किशोर किशोरी माने जो माने आमर कार्यक्रम को देखुं ये छोट छोट जो जीवनशैली जनित रोग सहित बर्तमान मानसिक रोग बढ़ी चली। आप देखु आजिका समय 2 वर्ष धरिकी पिला माने घरे गोटे लॉकडाउन शटडाउन भली स्थिति क्वारंटाइन भली जो स्थिति अच्छा से मानसिक स्तर में विभिन्न प्रकार भयर शिकार होती, बारंबार विभिन्न प्रकार गणमाध्यम जो नकारात्मक न्यूज गुड़ाक बारंबार आसूँ जदि आम 24 घंटा विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया बा आम टीवी को देखा तार जो न्यूज चैनल जो नकारात्मक ता पिला भितर कौन सीना कौन सी कारण जो गोटे भयर वातावरण सृष्टि करुच्ची, से भय वातावरण जो आज मानसिक समस्या बढ़ी बढ़ी चली। जहाँ को आम कौ इमोशनल डिस्टर्बेंस, जहाँ को आम कौ ADHD अटेंशन डेफिसिएंट ऑफ हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर माने पिला अमनोयोगी होइजिबा, अस्थिरता शिकार होबा, कौन सी काम स्थिर भाव में काम कर सबुबले सबु काम फ्लक्चुएसन रहइब अस्थिरता रहइब। एटी विज्ञान पढ़ुथिब तार इच्छा हे ना मुझे विज्ञान पढ़वी बर्तमान मुझे गणित कसिबी, पुणी गणित पढ़ुथिब को ना ना मुझे बर्तमान गणित पढ़वीन बर्तमान मुझे कौन कटे साहित्य पढ़वि, फल लास्ट कि पड़बन लास्ट खाइबा डबा मिक्सर डबा बिस्कुट डबा ताको धरव ताको खाइब पुणी शो पड़ो। यही समस्या भारत प्रति 10 जन स्कूल जाऊवा पिला भितर 5 रु 6 जन पिला रोग शिकार अच्छा, किंतु बापा माँ मैंने ये विषय जेहेतु भारत में मानसिक रोग को लेकर साधारण लोक मान भर सचेतनता नहीं फल रोग बर्तमान बढ़ी बढ़ी से ADHDटा BD माने बिहेवियरल डिसऑर्डर रूपे देखा जाउछ। मानसिक रोग महामारी भाया बढ़ी चली, संदेह समस्त संदेह करवा स्विंग्स ऑफ मूड मूड ठीक न रहा ये सांगे सांगे जड़े भल कथा होगे सांगे हठात कि कौन हम सी रागिज
ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ମୁଡ଼, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା, ଆଗରୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ କିଏ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି। ଯେଉଁ ସହରୀକରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ବିଷୟରେ କହିଦେବେ, ରୁଷିଆରେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ବିଷୟରେ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଫିଜିକାଲି, ମେଣ୍ଟାଲି, ଇମୋସନାଲି, ସୋସିଆଲି, ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି, ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଋଷି ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବା, ଇଏ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିରାକରଣ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଚରକ ସଂହିତାରେ, ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତାରେ, ବାଗଭଟ ସଂହିତାରେ ସେଠି ତିନୋଟି ଉପସ୍ତମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆହାର ବିହାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନିଦ୍ରା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ, ତେଣୁ ଆହାର ବିହାର, ନିଦ୍ରା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଆହାର ବିହାର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାତ୍ରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ନା ଏର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍, ଏର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ଦି, ୱେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରେଇବି, ଯେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସବୁଦିନ ଉଠନ୍ତୁ। ତମ ପିଲାମାନେ ତମ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, କେବଳ କିଛି ଅଳସୁଆ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଛୋଟିଆ ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ଦିନ ସାରା ଏନର୍ଜି, ଆମର ଲେବୁଲ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ଆମେ ସବୁ କାମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିବା, ଖୁସି ରହିବା, ପ୍ରେମ ରହିବା। ତା ସହିତ ଆମକୁ ରାତ୍ରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା, ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ 12 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଆମ ବଡି ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା 3 ମେଟାବଲିଜିମ୍ ରେଷ୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବାପା ଅଜାମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେ ସରଳ ଶୋଇବା, ସରଳ ଉଠିବା, ସେମାନେ ରାତି 9-10 ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଭୋର 3-4 ଉଠିକିରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ପାଣି ପିଇବେ, ବାସି ପାଣି ପିଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ରାତ୍ରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା, ଋତୁକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପନିପରିବା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନିରାମୟ ରହିବା, ନିରୋଗ ରହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ତା ସହିତ ଆମର ସଂଯମିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପବିତ୍ରତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୂପେ, ମାନସିକ ରୂପେ ଆହୁରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛି, ଯେ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଥରେ, ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବିଚାର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଗୁଣେ ଖାଇବୁ, 2 ପିଇବୁ, 3 ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, 4 ହସିବୁ, 5 ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବୁ। ଏ 5ର ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ, ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଖାଲି ମୁଁ ଭଲ ହେବି ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହେବି ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମାଜର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସୁନାଗରିକ ହେବି। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆଜି ଦେଉଛୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।